We are discussing previous year questions of real analysis from MPSET 2017. Question is, fx is a non-negative function in 0 to infinity such that f dash x is less than or equal to 2fx and f of 0 is 0. हमारे पास एक function define है f from 0 to infinity and f of x is non-negative, that is greater than equal to 0, and f of 0 हमें 0 की बने. साथ में एक important condition है कि f dash x derivative is always less than twice of fx. तो इस तरह के f के बारे में पूछा है कि f is always constant function होगा, increasing function होगा, decreasing function होगा या changes sign करेगा. तो ऐसे fx के बारे में पता लगाने के लिए हम एक इस तरह के फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं. अगर मान लो लेट अ न्यू फंक्शन gx इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर x. अब जो gx होगा वो सेटिस्फाई करेगा किसको, कि g डैश x विल ऑलवेज बी 2. ये इस कैटेगरी का एक फंक्शन है एक तरह से, e रेस्ट पावर 2x आ जाएगा. दैट इज व्हाट is equals to 2gx. G dash is equals to 2g. And also g is non-negative function. G हमेशा क्या है, positive function होगा एक तरह से. E raised to power 2x कभी भी negative नहीं होता है. अब इसके help से हमने क्या किया, define h on 0 to infinity to r by h of x equals to fx upon gx. हमने क्या किया, इसकी हेल्प से, g की हेल्प से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया. ये क्लियर है, क्योंकि gx कहीं पे भी जीरो नहीं बनेगा, इज नो वेयर जीरो. e raised to power x लिया हमने क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है. सो hx इज वेल डिफाइंड. Now, h dash x compute करें अगर हम, तो ये क्या आएगा, u upon v से करना पड़ेगा इसको, g square आ जाएगा, and g as it is f dash minus g dash and f as it is. तो ये क्या बनेगा, g f dash minus, अब यहाँ पे हम g dash को replace कर सकते हैं 2g से, क्योंकि g dash x क्या है 2g के इक्वल है. सो दिस इज व्हाट 2 f g बन जाएगा यहाँ पे अपॉन g स्क्वायर. दिस विल बिकम g कॉमन आएगा और f dash माइनस 2 f g ओवर g स्क्वायर. अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो रहता है, क्योंकि हमें गिवन है कि f dash x इज ऑलवेज लेस देन 2fx. मतलब f डैश हमेशा छोटा है 2f से, तो इसका मतलब f डैश माइनस 2f हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा. एंड g इज नॉन नेगेटिव, तो साइन इसी पे डिपेंड करेगा, तो दिस विल रिमेन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो दिस इंप्लाइज, दिस आर्ग्यूमेंट इंप्लाइज दैट h डैश x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इज नेगेटिव. दिस विल गिव्स यू h इज डिक्रीजिंग फंक्शन. यहां से ये इंप्लाई हुआ कि h इज डिक्रीजिंग. अगर h फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि fx ओवर gx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन. ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिफाइन है 0 से इंफिनिटी पे, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट करेगी. अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, और जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो दिस विल रिमेन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो अपॉन जी ऑफ जीरो. और जी ऑफ जीरो क्या है, जी एक्स हमने ई रेस्ट पावर 2x लिया है, तो जी ऑफ जीरो विल बी 1, क्योंकि यहाँ पे जी ऑफ जीरो क्या है, ई रेस्ट पावर 0 इज 1.
एफ ऑफ जीरो हमें गिवन है कि ये जीरो है, इसका यूज किया हमने यहाँ पे, दिस बिकम्स कि ये क्या हो गया, जीरो से छोटा आ गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो हम यहां पहुंच गए हैं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा जीरो। अब ई एक्स, ये जो जी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ई रेस्ट अपॉन टू एक्स है। दिस गिव्स यू कि एफ एक्स ऑलवेज लेस देन जीरो। एफ एक्स क्या था, हमें गिवन है कि एफ एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, हमेशा नॉन नेगेटिव फंक्शन है। हमने ये प्रूव कर लिया कि ऐसे एफ एक्स हमेशा क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज वॉट जीरो, छोटा भी है जीरो से बड़ा भी है, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, जीरो ही हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई, जीरो आ गई। इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक्चुअली जीरो फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन एक्स, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब वन अपॉन एक्स को ड्रॉ कीजिए केवल, यहां पे अपने पास में जो वन अपॉन एक्स है उसका ग्राफ ये होता है। दिस इज वन अपॉन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज वन अपॉन एक्स, ये ऐसे बढ़ेगा वैल्यू और यहां पे अपने पास में जीरो से इस तरफ ऐसे जाएगा। जैसे आप एक्स वैल्यू बड़ी करोगे तो वन अपॉन एक्स छोटा होता जाएगा। अब जीरो पे देखना हमें, तो आर एच एस देखिए अगर हम, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन अपॉन एक्स इज वॉट, जब इस तरफ आएंगे हम तो फंक्शन का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। दिस इज वॉट इन्फिनिटी। अगेन एल एच एस देखिए अगर हम, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो माइनस क्या होगा, अगर हम जीरो की तरफ राइट लेफ्ट हैंड साइड से आए तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो दिस विल गिव यू माइनस इन्फिनिटी। आर एच एस प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एल एच एस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशियबल फंक्शन फॉर एक्स जीरो टू टू सच दैट एफ ऑफ जीरो इज फोर, एफ ऑफ टू इज एट, जी ऑफ जीरो इज जीरो एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स इन जीरो टू, देन वैल्यू ऑफ जी टू मस्ट बी, हमें जी टू की वैल्यू पूछिए। गिवन है हमें कि एफ डैश एक्स हमेशा इक्वल है जी डैश एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू। इन एंड पॉइंट पर हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू पूछी है। सो द पॉइंट इज कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, एफ डैश एक्स डी एक्स, तो जी डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स एंड दिस विल बी जी एक्स, और यहाँ इसको इवेल्यूएट करेंगे तो ये एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो आएगा, ये आएगा जी ऑफ टू माइनस जी ऑफ जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ टू कितना है, एट गिवन है, एफ ऑफ जीरो इज गिवन फोर, जी ऑफ टू पता करना है, जी ऑफ जीरो इज जीरो। दिस विल गिव्स यू कि जी ऑफ टू की वैल्यू जो आएगी दैट इज फोर। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, आराम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वन गिवन है हमें एंड एक्स टू गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, वी हैव टू कंपेयर बोथ द वैल्यूज एक्स वन एंड एक्स टू। सी ऑप्शन में हमें एक फंक्शन गिवन है जिसके बारे में पूछा है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज आर करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है वो मिस फ्रेम हो गया है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड प्रॉपरली।
क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो लास्ट टर्म है वो तो सेम ही हो गई, और जो ये फर्स्ट टर्म है उसी को कंपेयर करना रह गया केवल। तो 3^1/7 इज लेस देन 5^1/7। अगर ये लेस देन है तो एक्स वन क्या है, छोटा हो जाएगा एक्स टू से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में तो ए ऑप्शन करेक्ट करना था, लेकिन ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो ऑप्शन सी को देखते हैं, उससे पता लगेगा हमें ये क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन सी में हमें एक फंक्शन गिवन है f(x)(-x^1/7 +6 +x^1/7। ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, f(x) फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले इसका करेंगे तो n आगे आ जाएगा, एंड इसकी पावर होगी 1/7 -1 करेंगे तो दिस विल गिव यू 1/6 -x^6/7। माइनस पावर है तो 1/1 में, एंड खुद का भी करेंगे इसका 6 - x का, दैट विल बी -1। अगेन ये आएगा 1/7 1/6 + x^6/7। इसको जीरो पुट करें तो इसको जीरो पुट करने का मतलब ये हुआ कि 6 - x = 6 + x, दिस विल गिव्स यू x = 0। एंड x = 0 इज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ f(x) वो जीरो पे जीरो हो रहा है। अब जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए हमें चेक करना है 1, 2, 3 के बीच में। तो यहां से आप देख सकते हो कि x = जब 6 रखेंगे तो f(6) पे जो वैल्यू आएगी वो -∞ बन जाएगी, क्योंकि ये 1/ में 0 बन जाएगा, दिस साइड विल बी 0 एंड दिस इज नेगेटिव, सो ये -∞ बन जाएगा। ये कुछ भी फाइनाइट वैल्यू आए तो f(6) -∞ बनेगा, मतलब 6 पे कहीं पे वैल्यू जो आ रही है x = वो -∞ की तरफ जा रहा है। तो f(x) क्या है, नेगेटिव है, तो f(x) इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इज डिक्रीजिंग इन 1, 2, 3 इन दिस इंटरवल में। फंक्शन क्या डिक्रीजिंग हो, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव वो नेगेटिव आता है 1 से 3 के बीच में। फॉर ऑल पॉजिटिव फंक्शन का ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से 0 से 6 के बीच में नेगेटिव आ रहा है तो 1 से 3 के बीच में तो नेगेटिव ही होगा। वंस यू प्रूव्ड कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। इस फंक्शन के अंदर अगर आप f(3) की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, 6 - 3 पुट करेंगे तो 3^1/7 बनेगा, ये बनेगा 9^1/7। अगर आप f(1) पुट करें तो क्या आएगा वैल्यू, 5^1/7 +7^1/7। पूछना चाहिए था कि कौन इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 पे बड़ी वैल्यू आएगी, 3 पे क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। तो f(1) है वो बड़ा होगा f(3) से, यानी कि अगर ये अपने पास में x2 था, ये अगर मान लो x1 बनाते तो उस केस में हम ये बोलते कि ये जो है x2 है इस केस में इज ग्रेटर देन x1। क्लियर है, यहाँ पे जो f(1) पे जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये f(1) दे के बना सकते थे वैल्यू, f(2) इससे बड़ी आती, f(3) से बड़ी आती। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए था ये। तो इसमें तो डायरेक्टली पता ही लगता कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है, और यहाँ मिस फ्रेम हो गया है तो यहाँ पे ये 7 की जगह 9 लिख दिया है। तो हमें एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग ही करना था, सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज ए, बट सी इज एन इम्पोर्टेंट ऑप्शन टू चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) = दिस फंक्शन डिफाइन है इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एट x = 0 इफ। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे हमें 0 पे चेक करना है,
सो द लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल आनी चाहिए एफ ऑफ जीरो के, तब हम क्या बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। और डिफरेंशियबल कब होता है कोई फंक्शन, जब लिमिट अगर जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच क्या है, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम बोलेंगे जो भी लिमिट आएगी वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए मैं लिमिट चेक करनी पड़ेगी एक्स टेंस टू जीरो एक्स एस टू पावर पी साइन वन अपॉन एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे यही है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है जीरो आनी चाहिए, तो ये आनी चाहिए जीरो, दिस लिमिट हैज टू बी जीरो। ये जीरो एग्जिस्ट करने के लिए देखो साइन वन अपॉन एक्स इज बाउंडेड बिटवीन वन एंड माइनस वन, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कोई भी यहाँ आर्ग्यूमेंट हो यहाँ पे इस केस में साइन थीटा कुछ भी हो, दिस वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज बिटवीन माइनस वन एंड वन, सो दिस इज वॉट बाउंडेड। अब ये लिमिट जीरो होनी होगी, जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू को जो भी बाउंडेड वैल्यू होगी वो क्या होगी जीरो हो जाएगा। सो ये एक्स एस टू पावर पी अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे जीरो आने के लिए क्या जरूरी है कि पी ग्रेटर देन जीरो, अगर पी नेगेटिव हो गया तो ये वन अपॉन एक्स एस टू पावर पी बन जाएगा, उस केस में ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सो ये पी क्या होना चाहिए अपने पास में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो हो गया तो भी ये वन हो जाएगा, उस केस में तो साइन वन अपॉन एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हेंस द फॉर कंटिन्यूटी पी क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। सेकंड पूछा है हमें कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, पी की क्या कंडीशन है, तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई करें इसमें। तो हमें लिमिट चेक करनी है एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, एंड हेयर एच टेंस टू जीरो, हेयर ऑल्सो एच टेंस टू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच इज वॉट एफ ऑफ एच, तो यहाँ पे फंक्शन में एक्स जीरो एच पुट करेंगे एच रेस्ट पावर पी साइन वन अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है जीरो है डिवाइडेड बाई एच, दिस विल गिव यू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच रेस्ट पावर पी माइनस वन साइन वन अपॉन एच, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए अभी हमने जो ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया ये बाउंडेड है, तो ये जीरो ये जो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए ये तभी एग्जिस्ट करेगी लिमिट जब ये क्या है एच की पावर है वो पॉजिटिव हो, दैट इज व्हाट पी माइनस वन है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दिस विल इम्प्लाई कि पी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अगर पी वन से बड़ा है तो एच रेस्ट पावर जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, दिस लिमिट उस केस में एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर एग्जिस्ट करेगी तभी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा जीरो पे। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए है अपने पास में कि पी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन वन होना चाहिए, और कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास में पी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पी ग्रेटर देन अगर वन है तो डिफरेंशियबल भी हो जाएगा और कंटिन्यूस भी हो जाएगा, क्योंकि जीरो से बड़ा तो हो ही होगा उस केस में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट सी, पी शुड बी ग्रेटर देन वन, इन दिस केस फंक्शन विल बी बोथ डिफरेंशियबल एंड कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सी जीरो प्लस सी वन बाई टू एंड सो ऑन इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स अनेबल यू टू कंक्लूड दैट सी जीरो प्लस सी वन एक्स एंड सो ऑन सी एन एक्स एस्ट पावर एन इज जीरो। रोल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा और मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस।
देखो यहां से हम ये जो गिवन है स्टेटमेंट, इसके हेल्प से हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स, दैट इज सी जीरो एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री एंड सो ऑन सी एन अपॉन एन प्लस वन एक्स इज टू पावर एन प्लस वन। ये फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है, सो दिस विल बी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशियबल भी होते हैं। एंड ऑल्सो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा इस केस में? एवरी टर्म हैज एक्स, तो एक्स एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो। दिस इज अगेन एफ ऑफ वन क्या आएगा यहाँ पे? अगर मैं एक्स जगह वन पुट करूँ तो दिस विल गिव्स यू सी जीरो प्लस सी वन बाई टू सी टू बाई सी थ्री बाई थ्री एंड सो ऑन सी एन बाई एन प्लस वन। ये हमें जीरो गिवन है, तो हमारे पास में एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। यार एफ इज जीरो एट बोथ जीरो एंड वन, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो जीरो और वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है कोई फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है और वापस यहां खत्म हो रहा है, तो उसको स्मूथली मूव करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियबल है और कनेक्टेड भी होगा, हर जगह पे कंटिन्यूस होगा वो, तो कैसे भी जाके आए वो आना वापस यहाँ पे उसको, तो कम से कम जीरो और वन के बीच में उसको एटलीस्ट एक बार तो कहीं कहीं मुड़ना ही पड़ेगा, तो चाहे वो यहाँ मुड़े चाहे वो यहाँ मुड़े, एक बार तो कहीं कहीं उसको मुड़ के ही वापस वन पे आना पड़ेगा। जहाँ पे ये फंक्शन मुड़ेगा तो उसके पीक पे स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स जो जीरो होगा। डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एटलीस्ट किसी जीरो और वन के बीच में एक जगह पे तो जीरो हो गई। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? रोल्स थ्योरम। तो ये जो स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम है कि एक किसी पॉइंट पे तो जीरो, डिफरेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जीरो होगी एक पॉइंट पे। तो यहाँ फंक्शन हमने ये कंसीडर किया है, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा? सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन एक्स इज टू एन। यही जो हमें गिवन है कि ये जीरो होना चाहिए फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू। तो ये रिजल्ट कौन एंटिसिपेट करता है? रोल्स थ्योरम। दिस रिजल्ट इज ये जो डेरिवेटिव है दिस फंक्शन विल बी जीरो फॉर सम एक्स बिटवीन जीरो एंड वन। सो दिस इज रोल थ्योरम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें चेक करना है कौन सा ट्रू है इसमें। लॉग वन प्लस एक्स इज लेस देन एक्स। टू चेक दिस देखो हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स, देन डिफरेंशिएट दिस क्या आएगा अपने पास में? वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन, दैट इज माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बन जाएगा। एंड फॉर एक्स इज बिलोंगिंग टू व्हाट? जीरो टू वन। एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। दिस इम्प्लाइज कि जो फंक्शन है एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? यहां से फंक्शन क्या आ गया? डिक्रीजिंग आ गया बिटवीन इन जीरो टू वन। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हुआ जब भी आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। दिस इंप्लाइज व्हाट? कि लॉग ऑफ
वन प्लस एक्स माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग, ऑल्सो ये एफ एक्स अपना, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो विल बी लॉग वन माइनस जीरो दैट इज जीरो। अब फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ही जीरो आ रही है, ठीक है ना, वी कैन एक्सटेंड दिस फंक्शन फ्रॉम जीरो टू वन, है ना, जीरो पे भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल फंक्शन है जिसकी जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, और इस इंटरवल में जीरो से आगे ये वन तक क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इज लाइक दिस कि जीरो से वन के बीच में जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो गिवन है। अब आगे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगा फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, लेस देन एक्स एक्सिस से तो छोटा ही रहेगा ये, तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी बिटवीन जीरो एंड वन। दिस इम्प्लाइज कि जो लॉग एक्स है वन प्लस एक्स माइनस एक्स विल रिमेन लेस देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग वन प्लस एक्स है वो लेस देन होगा एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो एंड वन। तो ये प्रूव हो गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लाइकवाइज वी कैन डिसप्रूव, ये जो फंक्शन बनाओगे ई रेस्ट फोर एक्स माइनस करके इसको, तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इंक्रीजिंग। सेम आर्ग्यूमेंट से हम बी और सी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, डी ऑप्शन तो क्लियरली इनकरेक्ट है, हमें ये एक्स होता है और लॉग एक्स अपने पास में इस तरीके से होता है, ये वन कॉमा जीरो होता है, तो जीरो और वन के बीच में लॉग एक्स तो नेगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होगा, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स, हमें एफ ऑफ एफ एक्स गिवन है, वो एक्स ही आ रहा है, मीन्स एफ ऑफ एफ इस तरीके से हमें एक फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ एफ विद इटसेल्फ इज अगेन आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि ये वन वन एंड ऑन टू है, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो क्या वन वन ऑन टू होता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एफ क्या है, वन वन ऑन टू है। देखिए जब अपने पास में ये कोई भी सेट एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है, अगेन एफ इज डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, जी इज डिफाइन फ्रॉम वाई टू एक्स, तो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, एक्स टू एक्स। अगर ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होता है तब जी ऑलवेज ऑन टू बनेगा एंड एफ ऑलवेज क्या बनेगा, वन वन बनेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि जब भी जी ऑफ एफ अगर वन वन ऑन टू आ रहा है तो जो एफ फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, वो वन वन बनेगा एंड जी क्या बनेगा, ऑन टू बनेगा। अगर जी ऑन टू नहीं बना तो एक्स पूरा का पूरा कवर ही नहीं होगा, एक्स पूरा कवर नहीं होगा तो एफ ऑफ एक्स की इमेज ये यहाँ से पूरे एक्स को पूरे एक्स पे कैसे कवर करेगा, नहीं कर सकता। जस्ट टू रिमेम्बर कि जी हैज टू बी ऑन टू एंड ये वन वन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट अगर हम इसमें एम्प्लाई करें कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एफ क्या आ गया, वन वन एंड ऑन टू है, तो क्या होगा अपने पास में, ये फंक्शन तो वन वन होना चाहिए और ये होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही क्या है, एफ और जी एफ ही है, तो एफ क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू एंड वन वन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ए एफ इज वन वन एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी मोनोटोन फंक्शन देन एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एफ हैज only finitely many discontinuities, f can have at most countably many discontinuities and have uncountably many discontinuities। हमें discontinuity के बारे में पूछा है, monotone function के बारे में। अब monotone function क्या होते हैं, या तो वो हमेशा non increasing होंगे या फिर non decreasing होंगे,
मोनोटोन फंक्शन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मोनोटोन फंक्शन कैन हैव ओनली जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मोनोटोन फंक्शन है अगर, तो उसके पास डिसकंटिन्यूटी के जो ऑप्शन है, मान लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक कर रही है, लेकिन बीच में गैप आ गया, जंप हो गया एक। क्लियर है? ये जो जंप है वो जंप किसी न किसी इंटरवल का होगा। मान लेते हैं अपने पास में कोई भी इंटरवल है ए टू बी टाइप का होगा ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की, और यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू, ये जो गैप आ गया जहाँ पे फंक्शन की क्या है डिसकंटिन्यूटी है, दूसरी डिसकंटिन्यूटी भी इस तरह की होगी कि बीच में एक गैप आ जाएगा। लाइकवाइज ऐसे भी यहाँ पे भी एक गैप आ जाएगा, जो भी डिसकंटिन्यूटी होगी वो जंप ही होगा एक। तो जंप वो इक्विवेलेंट है किसके, किसी न किसी एक इंटरवल के। यानी कि अगर जहां पे जंप आया है तो ये जो वैल्यू है, दिस इज इंटरवल, अगेन यहाँ पे भी अपने पास में क्या है, ये जो इंटरवल है, जितने जंप होंगे उतने इंटरवल, उतने ही क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी होगी। तो अगर आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे के सेट के बारे में पूछा है, तो मतलब हमारे पास ये जो इंटरवल होंगे, तो वी आर कितने काउंटेबल इंटरवल हो सकते हैं या अनकाउंटेबल इंटरवल हो सकते हैं, उसके बारे में पूछा है एक तरह से। तो मान लो कितने भी इंटरवल हैं, इंटरवल क्या होता है, किसी भी इंटरवल के पास में इनफाइनाइट रेशनल और क्यू भी होता है, और ये इरेशनल भी होते हैं इसके पास में, किसी भी इंटरवल के पास में क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं और रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने क्या किया कि इस इंटरवल, मान लो ये इंटरवल था अपने पास में, इस इंटरवल में से एक कोई भी रेशनल नंबर चूज कर लिया, क्यू वन, कोई भी हम एक रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट इंटरवल में से हमने दूसरा रेशनल नंबर चूज किया, से दिस इज क्यू टू, अगेन हम क्यू थ्री। तो कुल मिला के हमारे पास में हर एक इंटरवल में से अगर हम एक एक रेशनल नंबर चूज करें, तो वी विल हैव ए सेट ऑफ रेशनल्स। अब कितने इंटरवल हो उतने रेशनल नंबर हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। तो कहने का मतलब सेट ऑफ रेशनल से कंपेयर कर सकते हैं उसको, वो सब सेट ऑफ रेशनल नंबर बनेगा एक तरह से। अब सेट ऑफ रेशनल काउंटेबल होता है, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। तो नंबर ऑफ जंप कैन बी एटमोस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसके पास कितनी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, एफ कैन हैव एटमोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज, अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज नहीं हो सकती मोनोटोन फंक्शन के पास में, हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू आर, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, देन देर इज x between a and b such that fx equals to 0. This statement is, this result is the consequence of what? Boundedness of ab, completeness of ab, compactness of ab or connectedness of ab. This statement is nothing but IVP, intermediate value property है continuous function के लिए, जो ये कहती है कि अगर मान लो कोई भी k है जो लाई करता है एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए के बीच में, इसके बीच में अगर कोई भी के है, ये इमेज में है, ये इमेज में है, तो इसके बीच में कोई एलिमेंट है, नंबर है, वो भी इमेज में आएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन जो भी होगा इसका, सच दैट एफ ऑफ एक्स विल बी के। मतलब अगर कोई भी दो पॉइंट है इमेज के, उसके बीच में कोई भी नंबर है, तो वो भी कवर होगा, थोरो पूरा इंटरवल कवर होगा, कहने का मतलब ये। दिस हैपेंस ओनली इफ डोमेन इज कनेक्टेड, और रियल के केस में क्या है, कनेक्टेड का मींस इंटरवल होगा। कोई भी इंटरवल है अगर, तो
तो ये इंटरवल को इंटरवल पे मैप करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन में। रियल का सबसेट कनेक्टेड होता है इफ एंड ऑनली इफ इट इज इंटरवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे इंटरवल है तो वो कनेक्टेड यहाँ पे काम आएगी, इसकी प्रॉपर्टी है वो। यहाँ कनेक्टेडनेस इज मोस्ट प्रिफरेबल आंसर, दिस इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू माइनस वन टू वन एंड डिफाइंड बाई दिस, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस मोड एक्स, देन एफ इज वन वन कंटिन्यूस बट नॉट ऑन टू, ऑन टू कंटिन्यूस बट नॉट वन वन। बेसिकली हमें एक फंक्शन गिवन है जिसके बारे में हमें बताना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूस एंड वन वन के बारे में बताना और उसके ऑन टू होने के बारे में बताना है। फर्स्ट थिंग द फंक्शन इज गिवन लाइक दिस कि x अपॉन वन माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो है तो ये होगा क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है, मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन आएगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, एंड अगर x पॉजिटिव है देन मॉड का कोई मीनिंग नहीं है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन। अब देखो कंटिन्यूटी हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इसको कहीं दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन लेकिन इस डोमेन में है नहीं, ये डिफाइन ही किसके लिए, फॉर x लेस देन जीरो के लिए, तो x इक्वल्स टू वन इसमें है नहीं, दिस विल बी कंटिन्यूस। वैसे ही अगर x पॉजिटिव है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसको प्रॉब्लम हो सकती थी x इक्वल टू माइनस वन पे, लेकिन x इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे इस डोमेन में है ही नहीं। सो बोथ दी फंक्शन आर, ये जो रेस्पेक्टिव इसके जो ब्रांचेज है वो कंटिन्यूस है, और जीरो पे इस पे भी जीरो आ रहा है, इस पे भी जीरो आ रहा है, तो क्लियरली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो ये तो एक बात हो गई कि f क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। Now we have to prove one one and on two. ये one one है या on two है उसके लिए हमें one one prove करने के लिए हमारे पास में एक क्या तरीका है कि f of x one equals to f of x two है, अगर it should imply कि x one equals to x two होना चाहिए। This is what one one के लिए हमारे पास में ये तरीका है। On two के लिए हमारे पास में क्या होगा, for any y belongs to minus one to one, इसका जो range है वो क्या गिवन है, तो ये अपने पास में जो को डोमेन है उसमें से कोई भी एलिमेंट है, तो there exist x belongs to R such that कि f of x क्या आ जाए वो y आ जाए, मतलब हर एक पॉइंट माइनस वन से वन के बीच में रेंज में आ जाए, इमेज बनेगी फंक्शन की, सो द फंक्शन विल बी ऑन टू। तो ये ऑन टू और वन का मीनिंग होता है। नेक्स्ट पे करते हैं कि ये वन वन भी होगा। देखो फंक्शन हमारे पास में इस तरीके से डिफाइन है, जीरो पे यहाँ पे इसके इस तरफ फंक्शन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, इसके इस तरफ अपने पास में फंक्शन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, जीरो में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें से, ये भी, दिस इज वॉट वी है। तो जब हम f of x1 equals to f of x2 लेके चलेंगे, देर कैन बी थ्री केस। फर्स्ट में कि दोनों x1 x2 क्या हो, पॉजिटिव हो। सेकेंड केस दोनों x1 x2 क्या हो, नेगेटिव हो। एंड थर्ड केस क्या बनेगा, लेट x1 नेगेटिव है एंड x2 क्या हो, पॉजिटिव। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो थर्ड में आ गई। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव है उस केस में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो हम ये यूज करेंगे, दैट इज व्हाट x1 अपॉन 1 प्लस x1 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में x2 अपॉन 1 प्लस x2, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू आ जाएगा x2 plus x1 x2, this will cancel out, will gives you x1 equals to x2. So in this case
फंक्शन इज 1 1। सिमिलरली आप इस केस में प्रूव करेंगे इसको लेके, यू विल फाइंड कि ये 1 1 है। थर्ड केस में हम देखते हैं, अगर मान लो x1 नेगेटिव है तो हमें ये यूज करना है, मींस व्हाट वी आर टेकिंग कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 एंड x1 इज लेस देन 0, सो द रूल विल बी यूज्ड x1 अपॉन 1 माइनस x1, ये इक्वल आएगा किसके, यहाँ पॉजिटिव है तो उस केस में हम ये लेंगे रूल x2। अब x1 क्या है, देखो यहाँ से क्या होगा, x1 लेस देन 0 है तो नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी। ये फंक्शन, ये x1 नेगेटिव है इसका मतलब ये साइड क्या है, नेगेटिव आएगी। ये अपने पास में क्या है कि यहाँ पे ये जो x2 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये साइड तो अगेन पॉजिटिव रहेगी, तो x2 पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x1 इक्वल्स टू x2, दैट इज व्हाट 0। एक पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल कब हो सकता है, जब 0 हो दोनों, सो दिस इंप्लाइज ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही क्या हो, 0। तो इस केस में तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी नहीं है, दिस विल नेवर इक्वल, एफ ओ एक्स वन और एफ ओ एक्स टू इक्वल ही नहीं होंगे इस केस में, क्लियर है। तो ये केस एराइज ही नहीं हो रहा है, इन दोनों केस में 1 1 आ रहा है, तो फंक्शन इज व्हाट 1 1, तो 1 1 है ये फंक्शन। नाउ फॉर ऑन टू, चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि अपने पास में ये जो डोमेन है वो ऐसा है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हम या -1 2 0 एंड एक 0 से हम मान लेते हैं, 0 पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फंक्शन खुद कैसा डिफाइन है, x/1 + mod x था, तो 0 पे क्या आएगा, जब भी इसको 0 लाना है तो x को क्या पुट कर लो आप, 0 कर लो, 0 इज इन द रेंज। नाउ फॉर एनी y बिलोंग्स टू -1 0 देन हमारे पास में क्या है, फंक्शन की नेगेटिव वैल्यूज कौन कवर कर रहा है, ये वाला रोल, एक्चुअल में ये जब x इधर होगा तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी, और यहाँ पे ये 1 + x आएगा, ये 0 है अपने पास में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें x कैसा मिलेगा, देन पुट x इक्वल्स अपॉन 1 - x इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट y, यहाँ से अगर हम x इक्वल्स टू y - yx निकालेंगे तो ये x + yx = y आएगा एंड x विल बी, दिस इज नथिंग बट y/1 + y। तो हमें किसी भी y के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के अंदर y है तो करस्पॉन्डिंग x मिलेगा वो y/1 + y, तो इसका मतलब इस डोमेन के अंदर पूरा कवर करेगा। तो ये इसको क्या प्रॉब्लम है, y = -1 पे, y -1 ही है, y हो नहीं सकता क्योंकि ओपन इंटरवल है। ठीक वैसे ही हम इसमें चेक करें कि अगर y बिलोंग कर रहा है 0 to 1 के बीच में, उस केस में हम क्या करेंगे कि x/1 + x = y पुट करेंगे, सो दिस विल गिव यू y + yx एंड x = y/1 - y, ये बिलोंग करेगा, कवर तो करेगा ही करेगा ये अपने पास में, x बिलोंग करेगा r में। अब यहाँ पे y क्या है, y के लिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं 1 की, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हो सकती है 1 पे, और ओपन इंटरवल 0 to 1 बिलोंग कर रहा है y, सो y कैन नॉट बी 1, सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r such that f of x क्या बनेगा, y बनेगा, hence f is what, onto भी आ जाएगा, function onto भी हो जाएगा, तो function 1 1 and onto both है, so the correct option क्या होगा इसका, c option हो जाएगा, f is 1 1, onto and continuous, तीनों ही हमने check कर लिया।